उई बचो बचो बचो, बूढ़ा बूढ़ी भी है। केस की कल हमने वैसे सफाई की थी, देखे माशाल्लाह कैसा जबरदस्त लग रहा है यार, साफ सुथरा हो गया ना आज यार। उम्मीद है बादल भी आए हैं यार, अल्लाह करे बारिश हो जाए क्योंकि यार गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। फीमेल डब है यार, इसका एक पेयर, इसका ना मेल आज इंशाल्लाह इसका मेल लेकर आते हैं, इसका पेयर कम्प्लीट करते हैं यार। हमारी जो डब है ना यार, इसका मैं पेयर जो ना कम्प्लीट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ खैर आप कैसे होंगे। तो आज यार हम सोच रहे हैं आज हम बर्ड मार्केट जाएँ और बर्ड मार्केट जाके ना इसका पेयर कम्प्लीट करें यार। इसका मेल जो है ना, इसका मेल पेयर इसका वो लेकर आएँ, इसके साथ इसका मेल डब जो है ना वो लेकर आएँ, इसका पेयर कम्प्लीट करें यार, ताकि यार चार ये भी अंडे वगैरह करें ना। इसने अंडे वगैरह करने देना शुरू कर दिए थे, वो हमारी एक गलती से, कोई कैसे पर टूटे, वो हमारी एक छोटी सी गलती से ना इसका मेल जो है ना वो यार हमसे मिस हो गया, वो उड़ गया। और जो है ना यार उसके बाद ये बेचारी अकेले हो गई। मैं इसके बाद एक और एक लेकर आया था, एक पीस एक डब लेकर आया था, वो मेरा वो भी फीमेल ही थी और वो बेचारी छोटी थी, उसको मैंने इस केज में छोड़ा था, तो हमारे इसने ना मुर्गों ने उसको मार दिया था। तो अभी इंशाल्लाह मैंने यहाँ पर रखा ना, इंशाल्लाह यहाँ पर आके यहाँ पर ला कर रखूँगा, यहाँ पर ये लोग बड़े सुकून से रह रहे हैं। तो इसका जो एक मेल डब है ना यार, कहाँ गई हमारी वो, इसका एक मेल डब है ना आज वो इंशाल्लाह मैं लेकर आऊँगा मार्केट से, इसका पेयर कंप्लीट करेंगे और इसकी यहाँ पे ना नेस्टिंग वो लगा देंगे हम, जाली जो होती है ना वो लगा देंगे, ताकि अंडे बच्चे वगैरह कर सके। और हमारी सिब्बा इतनी गंदी हो गई भी यार, इसको भी नहलाना है मैंने। वो देखे हवा से बाल्टियाँ गिरी, हवा तो बहुत चल रही है, अल्लाह करे बारिश भी हो जाए यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये देखें हमारे डब वगैरह बटेर वगैरह, माशाल्लाह मैंने देखा माशाल्लाह इधर हमारे बटेर बहुत खुश हैं यार, उस वाले केस से तो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं यार, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने इनका जीना हरा। यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे माशाल्लाह बहुत खुश हैं, बहुत सेट हैं। और हमने काफ़ी कुछ काम करने वाले हमारे रहते हैं, जैसे इसका नेस्टिंग बॉक्स लगाने वाला रहता है। आज जो है ना इसका मेल डब लेकर आएँ, क्योंकि आवाज़ उसमें मुझे निशानी में बताई थी मेल और फीमेल की, मेल जो होता है ना वो आवाज़ निकालता है गुड़ जैसे कबूतर कर रहा है ना, बिल्कुल वैसे इसका मेल करता है, ये नहीं कर रही मतलब ये फीमेल है। तो मेल इसका लेकर आना है हमें इंशाल्लाह आज बर्ड मार्केट से उससे। और हमारी ये मुर्गियाँ देखें वैसे माशाल्लाह मज़े से, हमारी एक मिस्री मुर्गी यार बेचारी मर चुकी हुई है। मैं सोच रहा एक सर्दियां आने से पहले ना कुछ टाइम पहले, अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है, सर्दियां आने से कुछ टाइम पहले मैंने सोचा है इंशाल्लाह यहाँ पे जो है ना 2 से 3 मिस्री मुर्गियां ना और ला कर रखूँगा, क्योंकि सर्दियों में यार ये लोग अंडे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त देते हैं, इनके अंडे देने की यार सर्दियों में बहुत ही अच्छी होती है। तो मैंने सोचा है सर्दियों में सर्दियों से पहले, अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, 1-2 महीना निकाल के ना हम मार्केट जाएंगे, जैसे ही हम मुर्गियाँ लाए थे ना यार साल पहले, तो इंशाल्लाह हम इस तरह और मुर्गियाँ लाएँगे और जो है ना ये अंडे वगैरह बड़ी अच्छी होती है। और फिर जो है ना ये भी इनके लिए भी मुर्गियाँ लानी वाली है हमारे पास जो है ना इनको भी मुर्गियाँ लानी, इनके लिए मैं सोच रहा हूँ इनको जो है ना मिस्री मुर्गी जो होती है वो अंडे पे नहीं बैठती, इनके लिए वो वाली मुर्गियाँ लाऊंगा। और इस केज के लिए जो है मैं वो वाली मुर्गी लाऊंगा जो अंडे पे बैठे और अंडे में से ना बीज वगैरह निकाले, अंडे जो है ना उसमें से क्रैक करे, उसमें से बेबीज वगैरह निकाले, चूजे वगैरह निकाले, इनके लिए देसी वाली मुर्गियाँ लाऊंगा इंशाल्लाह। और इनके लिए जो है ना मिस्री मुर्गी जो है वो मैं वो लेकर आऊँगा जो सिर्फ अंडे दे, अंडे की एवरेज जिसकी अच्छी होती है मिस्री मुर्गी की वो अंडे देती है रोज़ाना की बुनियाद पर, तो वो इसके लिए लाऊँगा इंशाल्लाह। और इसके लिए भी और क्या नाम है यहाँ बबली, और बबली के लिए ना एक बबली हम और लेकर आएंगे इंशाल्लाह कुछ टाइम में, एक वो नहीं हमने और लेकर आनी है हमारे यहाँ बबलू के लिए ना यहाँ, ताकि हमें चाहिए अंडे। हमें ना क्या है कि सिर्फ ये अंडे दे दे, हम जो है ना दूसरी मुर्गी लाएंगे उसके नीचे रखें इंक्यूबेट करवा के उसमें से निकलवा लेंगे, पर सिर्फ ये जो है ना आपस में पेयर बना ले, तो हम एक और मुर्गी इसके लिए लेकर आएंगे ताकि ये बहुत जल्द पेयर बनाए और उसमें से अंडे वगैरह दें, हम उसमें से बेबीज वगैरह निकालें। इसमें दिए हुए बच्चे वो रहे, वो देखे माशाल्लाह वो रहे बच्चे, ये देखो ये देखिए तो वो रहा बच्चा अंदर बैठा है, अंदर बैठा हुआ दो है, एक वो रहा और एक ये रहा, हमारे बजरी तोते के माशाल्लाह दो बच्चे, ये देखे मैं काफी टाइम से दिखा नहीं रहा था, अभी और नहीं करो बट उड़ जाएगा, अभी मैं दिखा नहीं रहा था काफी टाइम से, मैंने कहा नजर ना लग जाए इसीलिए मैंने सोचा आज ये चीज दिखा दूं आपको, ये देखो भाई। और ये वाली डब माशाल्लाह एक ये भी अंडे पे है, ये देखो ये है, ये अंडे पे, इसका अंडा अभी दिखाऊंगा ना फिर उड़ जाएगी वहां से, ये वाला पेयर देखे माशाल्लाह नहीं उड़ेंगे, मैं बंद कर दिया। और ये वाले और ये वाले इंशाल्लाह इनको इस बार ब्रीड पे लेके जाऊंगा मैं, इनको इनसे अंडे वगैरह करवाने इस सीज़न में, अगस्त से शुरू होगा सीज़न इंशाल्लाह, इनका सीज़न अगस्त से शुरू होगा इंशाल्लाह, फिर आप देखिएगा इनका, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखें ये हमारे बर्ड्स और ये वाले भी हैं, ये अभी पक्के हैं इंशाल्लाह, मैंने सुना है ये जो है ना ये इस तरह बनेंगे इस तरह, हाँ ये इनकी तरह होंगे ये इंशाल्लाह, ये देख रहे हैं आप ये, और ये ब्लू ऑफ लाइन्स हमारे दोनों, इनके साथ ही हमने ग्रीन ऑफ लाइन लगाना है,
तो फिर इनकी जो ब्रीड आएगी ना वो डिफरेंट आएगी, वरना ब्लू फ्लाइंग के साथ ब्लू फ्लाइंग लगाएंगे तो उनकी ब्रीड इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं आएगी और वीक होगी, ब्लड लाइन उनकी वीक हो जाएगी। तो इस चीज़ को भी हमने देखना है। और ये देखे जी हमारा पार्बलू ऑफलाइन और पार्बलू और ग्रीन ऑफलाइन, ये देखे भाई ग्रीन फिशर दोनों उधर क्यों बैठे हुए लोग, चलो उधर। ये आया देखा आपने। और ये बाकी हमारी डव्स, ये सारी डव्स। तो जैसा कि मैंने आज आपको सुबह बताया था कि भाई हम जा रहे हैं बर्ड मार्केट और अपने मिनी जू के, हम जा रहे हैं बर्ड मार्केट और अपने मिनी जू के लिए ना, अपना जो डव है हमारी मिनी जू में उसका हम बाकी पेयर जो है ना वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम ये जो है डव लेकर आए हैं उनका बाकी जो इसका एक पेयर, इसके अंदर एक और है, इसके अंदर मेल और फीमेल है। हमारे पास जो है ना वो फीमेल है, मैं आपको बताता हूँ इसकी पहचान कैसे आकर। देखें इसकी गर्दन पर भी रिंग आ रहा है, तो ये मेल है, ये मेल है। अभी तो शुरू में नीचे बैठेगा, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये फ्लाई शुरू कर देगा। और आपको दिखाता हूँ फीमेल की पहचान। अबे आ जा भाई, ये देखें इसकी गर्दन, अबे इसकी गर्दन पे भी रिंग, ये क्या मजाक हो गया हमारे साथ। इसकी गर्दन पे भी रिंग है, उसकी गर्दन पे भी रिंग है, तीनों की गर्दन पे रिंग है भाई। अगर किसी भाई को बताओ इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है मेल और फीमेल का, यार काइंडली प्लीज मुझे बता दे। वहाँ तो हम गए थे, हमें ये बताया गया था कि भाई इसके अंदर इसके मेल के जो गर्दन पे ना रिंग होता है, जैसे इसके देख रहे हैं बना हुआ रिंग बना हुआ इसकी, तो इस तरह मेल के रिंग होता है और फीमेल के रिंग नहीं होता। अब तीनों में रिंग आ रहा है, अजीब सीन है। अगर किसी भाई को बताओ तो प्लीज़ काइंडली हमें बता दे यार, ताकि हम कल जाके चेंज करा सके। कल जाएंगे बर्ड मार्केट को चेंज करा के लाते हैं यार, ये तो अजीब ड्रामा हो गया बड़ सर। और इनको हम दाना पानी डाल, अभी जाओ तुम यार, जाओ घूमो पर बैठो पर आराम से मजे करो। और मैंने सुना है इनका जो नेस्टिंग बॉक्स है ना वो मैंने सही नहीं लगाया हुआ, तो चेंज करने वाला है इनका नेस्टिंग बॉक्स। आज मैंने किसी ने बताया कि भाई इसके जो नेस्टिंग बॉक्स है ना वो आप सही लगाओ। पर ये देखें माशाल्लाह इसमें एक कबूतरी ने हमारा नेस्टिंग तैयार कर लिया हुआ है और इसमें भी तैयार हो रहा है इंशाल्लाह। उम्मीद है कि इसमें भी अंडे बच्चे वगैरह ये लोग करेंगे। तो अभी हमने डव यहाँ पे जाके छोड़ दिए, वो देखो नीचे बैठा हुआ है, बैठा हुआ है कि बैठी हुई यार, ये तो ये हमें पता नहीं, मतलब ये बैठा हुआ है कि बैठी हुई है। उठाते हैं इसको, कोशिश करते हैं, देखें फ्लाई क्यों नहीं कर रही सही से। अरे क्या हो गया, इतना डरते हैं, एक तो ये फ्लाई सही नहीं कर रही है भाई, फ्लाई ये सही फ्लाई नहीं कर रही है। इसको लेके जाएंगे कल चेंज करा के लाएंगे भाई। हाँ देखो वो फ्लाई नहीं कर रही है यार, उसको समझाओ क्या है, आओ तो मज़े से फ्लाई कर। अच्छा तो कबूतरी जो हम बाहर से लाए थे ना यार, वो मुझे लग रहा है ये वाली, हाँ ये रही ये हम लाए थे बाहर से, ये देख रहे हैं आप, ये हमें मिली थी, किसी ने गिफ्ट की थी हमें। उसने बोला था यार ये रखो इसको पालो, इसमें से ना जो आपने अंडे ब्रीड वगैरह लेनी है आपको लो इसको, जो करना है सुना है बहुत अच्छी किस्म की वैरायटी है ये, हमें पता दी है भाई। आगे देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले दाना पानी डाल देते हैं और उम्मीद करते हैं भाई ये जो है यहाँ पे इनके लिए नेस्टिंग की ना हम वो जाली यहाँ पे लगा देंगे, ताकि ये जो ना आपस में अभी दुआ सलाम करें, क्योंकि अभी तो बहुत दूर दूर बैठे हुए यार, अभी नए नए हैं ना, तो इनको आपस में जान पहचान करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो नीचे ही बैठा हुआ है वो नीचे ही है, वो भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक दो दिन में यहाँ पे एडजस्ट कर जाएगी। बाकी हम परिंदों को देखते हैं, उनको वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या चल रहा है भाई, उनको क्या सीन है, उनको देखते हैं खाना पानी, देखते हैं उन सबका कैसा है। और आज मैंने आपको लवबर्ड भी अपने दिखाए, इंशाल्लाह अगस्त में उनसे ब्रीड वगैरह लगाने का सोच रहा हूँ कि उनसे ना, क्योंकि पूरा उनको साल हो गया जब मैंने वो खरीदे थे, वो बच्चे थे, अब माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हैं ब्रीडिंग के लिए। अभी नहीं करूँगा इंशाल्लाह आने वाले अगस्त, अभी क्या जुलाई अगस्त, हाँ नेक्स्ट मंथ के भी एंड में, मौसम पे डिपेंड करता है, मौसम कैसा रहता है ना यार, अगर मौसम सही रहा तो फिर हम लगा देंगे, अगर मौसम गर्म रहा तो फिर हम थोड़ा डिले करेंगे, एंड तक लेके जाने की कोशिश करेंगे, अगस्त के एंड तक के मौसम नॉर्मल हो जाए फिर हम जो है इसको ब्रीड पे लगाएंगे। अभी क्या करते हैं, अभी सबको दाना पानी डालते हैं फिर आपको लगा करते हैं। रैबिट्स आप चेक करें माशाल्लाह कैसे खाना खा रहे हैं ना, ये देखें कितने मज़े से खाना खा रहे हैं हमारे सारे रैबिट्स ने यार। और पता नहीं ये ब्रीड क्यों नहीं कर रहे ना, मतलब अब इन्होंने ब्रीडिंग क्यों बिल्कुल बंद कर दी है, मे भी शायद बहुत ज़्यादा गर्मी है उसकी वजह से ये लोग ब्रीडिंग, हाँ मेरा ख्याल गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई ना इस वजह से इन लोगों ने ब्रीडिंग करना छोड़ दी है। हमारी डग्स देखे कैसे खाना मांग रही है, इनको खाना पानी चाहिए, ये लो आइए लो ये लो, इनको मैं एक सीन दिखाते हैं आपको एक सीन दिखाते हैं इनका। ये हमारे सेफ्टी रूम हमारा चेक करें, ये हमारे कॉकटेल। अभी यार ये बस ओ गया हुआ है भाई, गया हुआ है आज डब्बे में गया हुआ है, ये माशाल्लाह स्टेबल हो रहा है इसके अंदर ना। और हमारी डव्स क्या कर रही हैं भाई, डव हमारी क्या कर रही हैं, डव को देखूँ मैं, इसके अंदर एक ही डव है यार। ओए बैठो बैठो बैठो, बूढ़ा बूढ़ी भी है, और बैरुको बैरुको ये कैसे बाहर आओगे भाई,
वो देखिए दोस्तों हमारी एक डब उड़ के बाहर आई हुई है। अभी ये कैसे बाहर आ गई भाई, मैं वो देख के हैरान हूँ। हालांकि अभी पिंजरा तो कोई भी नहीं खुला हुआ है और कैसे निकली होगी यहाँ से ना, ये देख रहे हैं आप कैसे फड़फड़ा रही है। अभी अगर मैं इसको पकड़ने जाऊँगा ना ऐसे फड़फड़ाएगी है यार। ये देखिए पानी जाना वो देखो कहाँ बैठ गई, शुक्र है पंखा बंद है, जगह तो नहीं है ना कहीं से यहाँ से जाने की। अरे नीचे आओ भाई, अरे कहाँ चली गई ये, तो क्या कह रहे हो लॉक कर दिया मैंने, पर वो बाहर उड़ रही है, वो आज नहीं मेरे हाथ में, वो इतना ऊपर जाके बैठ गई है यार। और सबसे महंगी वाली डब थी वो निकली हमारी, सबर करो। अबे इतना ऊपर कैसे चली गई यार, तो समझ नहीं आ रही मेरी। नीचे 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 बैठ, नीचे बैठ। अरे आपको मिलते देखते हैं, दिखाते भाई क्या चीज़ होती है। अबे ये है ना, इसको यूज़ करता हूँ इसको ना, हमें ऐसे शॉर्ट करके नीचे गिराना होगा। ये आ गई हाथ में, आ गई भाई, आ गई आ गई आ गई। ओए ओए दे, सबर 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 सबर। तो अच्छा वो भाई टाइम से देख लिया हमारी डब को मैंने, उड़ते उड़ते बच गई भाई। गेट खोल, शुक्र है गेट बंद किया था आज इतफाक से, वरना मैं हमेशा ये गेट खुला छोड़ता हूँ भाई। और आज जो है ना मैंने इतफाक से गेट को बंद किया होता तभी हमारी डब जो है ना वो बच गई। हम तो अंदर चारा लेने गए थे और अंदर क्या देखा, हमारी डब उड़ रही थी भाई, बचत हो गई। तो दोस्तों ये देखे दाना मैंने इस बाल्टी के अंदर रख दिया इनका, आप देखें इनको डालूंगा ना कैसे मजे से आज खाएंगे। चलो अंदर चलो 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 अंदर चलो अंदर चलो 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 इधर। अबे इधर आ जाएगा, खुद ही आ जाएगा, दाना डालूंगा ना खुद ही भाग के आएगा। ये दाना इनको बड़ा पसंद है भाई, इनको ये दाना ना बड़े शौक से खाते हैं ये वाला, इसमें बाजरा मिक्स नहीं आता। अबे अबे क्या हो गया, सिम्बा 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 खेल रही है उनके साथ, मार नहीं रही उनको। ओए तेरी इनकी हिफाजत कर रहा भाई, देखे उसके साथ खेल रहा है ये, जिसको काटने लगा था ऐसे लग रहा था ना मुर्गे ने कैसे इसको मारा है। तो ये वाला खाओ सारे शौक से खाते, देखें अभी देना कैसे खाना शुरू हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं आप, इसीलिए ये दाना मैं लेकर आया हूँ आज, स्पेशल मार्केट गया हुआ था स्पेशल ये दाना लेकर आया हूँ। देख रहे कैसे मज़े से खा रहे हैं ये लोग, कितने शौक से खा रहे हैं, देख रहे ये, इसीलिए मैं ये दाना इनके लिए लेकर आया था। तो ये हमारी डब वगैरह ये नहीं आई है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसके अंदर एडजस्ट कर जाएंगी। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक कल, खा लो सारा खा लो भाई।